हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जानेंगे 12 वोल्ट डीसी ट्रांसफार्मर को 220 वोल्ट करंट से कैसे घुमाएंगे। तो हमने ये लिया है 12 वोल्ट 1 एम्पियर डीसी मोटर और ये 220 वोल्ट 300 मिली एम्पियर 12 वोल्ट ट्रांसफार्मर है जिसे हमने पुराना बीपीएल टीवी से लिया है। इसका प्राइमरी कॉयल ये हो गया और सेकेंडरी कॉयल ये हो गया। जो ओपन है वो सेकेंडरी कॉयल है यानी उससे करंट बाहर निकलेगा और जो ढका हुआ है उससे करंट इन होगा। ये एसी कॉर्ड, इसे हम लोग ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉयल में कनेक्ट करेंगे। ये जो ढका हुआ सेक्शन है इसी साइड के पॉइंट पे हम लोग इसको इस साइड के टर्मिनल पे इसको फोल्ड करेंगे, या आपके पास यदि सोल्डर आयरन हो तो आप सोल्डरिंग आयरन भी कर सकते हैं। हम अपने वीडियो में कम से कम औजार का उपयोग करते हैं क्योंकि कई सारे लोगों के पास सोल्डिंग आयरन वगैरह नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि वो भी इस वीडियो का आनंद ले और ये प्रोजेक्ट वो बना सके। बट अगर आपके पास सोल्डिंग आयरन है तो आप इसको सोल्डिंग कर सकते हो, इससे ज़्यादा बेटर रिजल्ट आएगा। अब ये सब कनेक्शन करते समय करंट ऑन करके मत करना, सारे कनेक्शन आप पहले कर लेना उसके बाद ही करंट देना। और जब भी आप करंट का उपयोग करो तो सेफ्टी के लिए जूते चप्पल पहन के या सूखे स्थान पे खड़ा होकर ही करना। ये हमने कनेक्ट कर दिया है प्राइमरी कॉइल में, एसी कोड को कनेक्ट कर दिया है। अब हम लोग लेंगे डायोड, यह है डायोड IN4060 डायोड। ये चार पीस लेना है आपको। फुल वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए हमें चार पीस डायोड की ज़रूरत पड़ेगी। इसके प्लस और प्लस पोल को आपस में मोड़ देंगे। अगर आपके पास सोल्डिंग आयरन हो तो आप सोल्डिंग आयरन भी कर सकते हो। ये देखिए, प्लस प्लस को हमने मोड़ दिया और माइनस माइनस को मोड़ देंगे। यानी डायोड में एक साइड एक सफ़ेद निशान होता है वो प्लस का निशान है, और जो जिस साइड नहीं होता है कोई निशान वो माइनस का निशान है। ठीक है, प्लस प्लस जोड़ दिए, माइनस माइनस जोड़ दिए, और आप कोई साइड से भी आप जोड़ो। इसे हम लोग हाथ से ही फोल्ड कर रहे हैं। ये हो गया, ये साइड से करंट इन होगा और प्लस साइड से प्लस और माइनस साइड से माइनस निकलेगा। यानी वाइट पोल साइड से, डबल वाइट पोल साइड से प्लस करंट निकलेगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दो। ट्रांसफार्मर कनेक्शन के लिए हमने दो तार डायोड के साथ जोड़ दिया और ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी सेक्शन में हम इसको कनेक्ट कर देंगे। इसे सोल्डिंग कर रहे हैं सेकेंडरी पोल में जहाँ से 12 वोल्ट करंट बाहर हो रहा है, बट वो एसी करंट है। और डायोड से क्रॉस करने के बाद ये डीसी करंट में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, ये सोल्डिंग हो गया। अब हम लोग करंट दे सकते हैं और अब मोटर को कनेक्ट करेंगे इसके साथ। आप चाहो तो इसमें कंडेंसर भी लगा सकते हो, कैपेसिटर। ये 330 माइक्रोफेराड 63 वोल्ट का कंडेंसर है। कंडेंसर लगाने से मोटर में वाइब्रेशन कम होगा और स्पीड भी ज़्यादा होगी। बट अगर आपके पास कंडेंसर नहीं है तो आप सिर्फ चार डायोड की सहायता से भी मोटर घुमा सकते हो। इसे हमने मोटर के पीछे टर्मिनल पे ही सोल्डिंग कर दिया। आप चाहो तो डायोड पे भी सोल्डिंग कर सकते हो, प्लस माइनस देख के करना। यदि डायोड कनेक्शन उल्टा हो जाता है तो वो, यदि कंडेंसर का कनेक्शन उल्टा होगा तो कंडेंसर ब्लास्ट भी कर सकता है, तो आप इसका ध्यान रखना। अब ये माइनस डायोड के माइनस टर्मिनल पे ग्रीन वायर जुड़ रहे हैं और प्लस पे रेड वायर। हम हाथ से ही फोल्ड कर रहे हैं। अब देखते हो गए हमारे वीडियो में हम ज़्यादातर वायर को हाथ से ही फोल्ड करते हैं ताकि जिस हमारे जो भी दर्शक हैं उसके पास यदि सोल्डिंग आयरन वगैरह नहीं हो तो वो भी इस वीडियो को देख के छोटा मोटा प्रोजेक्ट घर पे बना सकता है। और इसमें उपयोग किए गए सारे जो भी टूल्स आप देख रहे हो, सारे हमने घर के ही कबाड़ से लिया है।
ये मोटर में वायर को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। ये हो गया, देख पा रहे हो मोटर घूम रहा है, ये मोटर घूम रहा है। मोटर का स्पीड बहुत नहीं है, इसलिए कि ये मोटर 1 एम्पियर का है और ट्रांसफार्मर हमारा 300 मिली एम्पियर का है। इसके वजह से मोटर बहुत स्पीड नहीं घूम रहा है, बट मोटर घूम रहा है यानी करंट सप्लाई हो रही है। अब इस मोटर के कैपेसिटी के बराबर हम एक मोटर इस ट्रांसफार्मर के कैपेसिटी के बराबर एक हम मोटर लेंगे। ये मोटर हमने पुराने सीडी के ट्रॉली से निकाला है। आपके घर पे यदि कोई सीडी डीवीडी फेंका हुआ हो तो आप उससे ये मोटर निकाल सकते हो। ट्रॉली में जिससे कैसेट बाहर होता था उसी में लगा हुआ था ये, आप भी इसका उपयोग कर सकते हो। यदि आपके घर पे कोई पुराना टीवी वीसीडी वगैरह फेंका हुआ है तो आप उससे ये मोटर निकाल लो। ठीक है, अब ये देखो मोटर काफ़ी स्पीड घूम रहा है क्योंकि ये मोटर लो एम्पेयर का है और ये मोटर 4.5 से 6 वोल्ट ही चाहिए, बट ये 300 मिली एम्पेयर पे ये ख़राब भी नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो देखने